सब्सक्राइब कीजिए टेक इंजन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सो दैट आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक इंजन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बहुत लोगों के प्लान्स होंगे ये लॉकडाउन या लॉकडाउन के बाद जाके कोई नए फोन्स खरीदने की, और मोस्टली लोगों के डिमांड होंगे कि ये फोन्स नॉन चाइनीज हो। अगर आपका ऐसा कुछ प्लान है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ग्लोबल पैंडेमिक कोरोना एक इम्पॉर्टेंट रीजन है जिसने हम इंडियंस में एंटी चाइना सेंटिमेंट्स को बढ़ा दिया, और हाल ही में हुए गलवान कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना ने इस सिचुएशन को और भी ज्यादा बदतर कर दिया। इसके चलते जैसे ही टेंशन एक्सीलेट हुए, देर हैज बीन अ कॉन्स्टेंट डिमांड फॉर बैनिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स एंड इवन स्मार्टफोन्स टू। तो सिचुएशन का फायदा उठाते हुए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्मार्ट स्टेप ये लिया कि उन्होंने टोटल 59 चाइनीज एप्स को बैन कर दिया बाय गिविंग अ स्टेटमेंट ऑफ दे वर ब्रीचिंग द प्राइवेसी कंसर्न्स ऑफ द इंडियंस। हाउएवर, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और चाइना के ग्लोबल टाइम्स के चीफ एडिटर हु शाइजिंग का मानना यह है कि ये एंटी चाइना सेंटिमेंट्स इंडियन में ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं करेगा। उसके बाद इंडियंस को खुद चाइनीज प्रोडक्ट्स ही खरीदना पड़ेगा बिकॉज ऑफ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ चीप गुड्स इन द मार्केट। हालांकि इनका कहना पार्शियली सही भी है, क्योंकि चाइना ने खुद को वर्ल्ड लेवल पर एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब सेटल अप कर लिया है, और उसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनते हैं वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं एनी अदर मार्केट इन द वर्ल्ड। बट डज दैट मीन देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव टू दीज चाइनीज स्मार्टफोन्स? टर्न्स आउट देयर इज। अगर बात करें होम ग्रोन इंडियन ब्रांड्स की, तो ये उस चाइनीज स्मार्टफोन्स को बीट नहीं कर पाएंगे, बट अदर ब्रांड्स फ्रॉम कोरिया, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ताइवान, these brands can give these Chinese smartphones a good run for their money. So, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं best Chinese alternative smartphones under 10,000 and 20,000 rupees that you should definitely buy. So, without wasting any time, let's begin. अगर under 10,000 देखा जाए, तो ये सेगमेंट ज्यादातर कॉमन लोग प्रीफर करते हैं जो एंड्रॉइड फोन के बेसिक फंक्शन लाइक कॉलिंग, कैमरा और सोशल मीडिया को यूज करते हैं। ये सेगमेंट के फोन्स में आपको 2 से 3GB तक का रैम एंड 32GB तक का स्टोरेज मिल जाता है विद बेसिक डुअल कैमरा सेटअप और फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। अगर बात करें चाइनीज फोन्स जो अवेलेबल है इन दिस रेंज आर Realme C3, Redmi 8A एंड Realme 5। तो इनके अल्टरनेटिव्स में आप ये फोन खरीद सकते हैं। तो फर्स्ट पे है LG W30, जिसमें आपको MediaTek Helio P22 का चिपसेट मिल जाता है विथ 3GB रैम, 32GB स्टोरेज, साथ ही 13+2 MP का रियर कैमरा सेटअप एंड 12 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, जिसको पावर अप करता है 4000 mAh का बैटरी। ये फोन आपको 3 colors में अवेलेबल मिलता है, दोज आर थंडर ब्लू, प्लेटिनम ग्रे एंड अरोरा ग्रीन। तो सेकंड कम्स नोकिया 2.3, जिसमें आपको MediaTek Helio का A22 प्रोसेसर मिलता है विथ 2GB रैम एंड 32GB स्टोरेज, जिसका स्क्रीन साइज 6.2 inch का है, साथ ही कैमरा मिलता है 13+2 MP का रियर कैमरा एंड 5 MP का फ्रंट कैमरा, जिसको पावर अप करता है 4000 mAh का बैटरी। ये फोन आपको 3 colors में अवेलेबल मिलता है, एंड दोज आर चारकोल, सैन ग्रीन एंड सैंड कलर। एंड ये फोन आपको 9999 में कोई भी साइट पर अवेलेबल मिल जाएगा। सो हमारे अंडर 10,000 के लिस्ट में थर्ड पर आता है सैमसंग गैलेक्सी M10S, जिसमें आपको एक्सिनोस 7B7884 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल जाता है विथ 3GB रैम एंड 32GB स्टोरेज, साथ ही 13+5 MP का रियर कैमरा सेटअप मिलता है एंड 8 MP का फ्रंट कैमरा। ये फोन आपको ब्लैक और ब्लू कलर में अवेलेबल मिल जाएगा विद प्राइस ऑफ अप्रोक्स 9999 ऑन एनी साइट। सो द लास्ट फोन अंडर 10,000 रुपीज इज सैमसंग गैलेक्सी M20। इसमें भी आपको एक्सिनोस का 7B7904 का ऑक्टोकोर प्रोसेसर मिलता है, विच इज बेटर देन द सैमसंग गैलेक्सी M10S With 3GB RAM and 32GB storage, इसमें आपको 13+5 MP का रियर कैमरा सेटअप मिलता है एंड 8 MP का फ्रंट कैमरा, जिसको पावर अप करता है 5000 mAh का बैटरी। ये फोन आपको ओपल ब्लैक एंड सफायर ब्लू कलर्स में अवेलेबल मिल जाएगा। ये फोन्स के दो वेरिएंट है, एक 10,000 का वेरिएंट है जिसमें आपको 3GB RAM एंड 32GB का स्टोरेज मिलता है, और एक है 11,500 रुपीस का वेरिएंट जिसमें आपको 4GB RAM एंड 64GB स्टोरेज मिलता है। LG W30 एंड Nokia 2.3 से बेटर आप Samsung Galaxy M10S एंड M20 प्रीफर कर सकते हैं, बिकॉज ये फोन में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन, गुड कैमरा क्वालिटी और ब्रांड वैल्यू भी मिल जाता है। एंड ट्रस्ट अस गाइस, सैमसंग के डिस्प्ले पूरी तरह जस्टिफाई करते हैं फॉर द मनी यू पे। नेक्स्ट सेगमेंट है फॉर फोन्स अंडर 20,000 रुपीस, जो मेनली कॉलेज एंड स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं। ये फोन्स में आपको ट्रिपल या क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, जो बहुत ही डिसेंट क्वालिटी ऑफ फोटोज निकाल सकता है। इस फोन्स में
4GB या 6GB RAM variants के साथ आते हैं with 64 और 128GB of storage. ये फोन के GPU आपके PUBG या फिर Call of Duty जैसे गेम्स को बहुत ही easily handle कर लेते हैं at medium and light graphic settings with slight heating issues. The famous Chinese phones जो इस range में available है वो है Vivo Z1, Z1 Pro, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro, 9 Pro Max, Poco X2, Realme 6, Realme 6 Pro, XT, X2 and X. जिसके बदले आप non-Chinese phones prefer कर सकते हैं, that are as follows. The first phone in this list is Samsung Galaxy M30s, जिसमें आपको Exynos 9611 का octa-core chipset मिल जाता है. ये phone में आपको triple camera setup मिलता है, with 48 megapixel main camera, 8 megapixel depth sensor और 5 megapixel का telephoto lens मिल जाता है. फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है जो बहुत ही अच्छे स्टनिंग पिक्स निकाल सकता है. इस फोन को 6000 mAh की बैटरी बैकअप देती है विच कैन लास्ट अप टू 2 days अगर आप एक एवरेज एंड्रॉयड यूजर हैं. ये फोन में आपको फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है विद 6.2 inch. ये फोन आपको 3 variants में मिल जाता है, ऑपल ब्लैक, सफायर ब्लू एंड पर्ल वाइट. ये फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि फिजिकल है, इन डिस्प्ले नहीं. ये फोन वेरिएंट 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ ही अवेलेबल है और इसको आप 15,500 में बाय कर सकते हैं. नेक्स्ट फोन इन दिस लिस्ट इज LG W30 Pro. ये फोन फास्ट चार्जिंग के साथ आता है विद अ स्नैपड्रैगन 632 प्रोसेसर. 632 प्रोसेसर स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का बहुत ही सिंपल प्रोसेसर है जिसमें आप नॉर्मल गेम्स खेल सकते हैं. ये फोन में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने मिल जाता है जिसमें 13 मेगापिक्सल का बेसिक कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है. फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का एक बेसिक डिसेंट कैमरा मिल जाता है. इस फोन को बैक करता है 4050 mAh का बैटरी. ये फोन की एक डाउनसाइड है कि इसमें आपको 6.2 इंच की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है. फॉर पेइंग 13,000 रुपीज आपको एक सिर्फ IPS डिस्प्ले मिलती है, दैट इज द मेन डाउनसाइड ऑफ दिस फोन. और ये फोन सिर्फ और सिर्फ मिडनाइट पर्पल 4GB 64GB वेरिएंट में ही अवेलेबल है फॉर 13,000 रुपीज. सो द थर्ड फोन अंडर 20,000 सेगमेंट में आता है Samsung Galaxy A50s. इसमें आपको Exynos 9611 octa-core chipset मिल जाता है Samsung की तरफ से. इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है. इसमें आपको फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का स्टनिंग कैमरा मिलता है जो बहुत ही अच्छी सेल्फीज ले सकता है. इस फोन को बैक करता है 4000 mAh की बैटरी जो सिर्फ एक दिन या आधा दिन तक अगर आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो चल पाती है. ये फोन में आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता, इनफैक्ट यू गेट अ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर. ये फोन की दो वेरिएंट्स अवेलेबल है. फर्स्ट इज 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ जो प्राइस है 18,500 पे, और दूसरा है 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ which is priced at 20,000 rupees. Next phone in this list is Samsung Galaxy M31. ये फोन में भी आपको फास्ट चार्जिंग तो मिल जाता है और सेम प्रोसेसर मिलता है Exynos 9611 chipset. इस फोन में फ्रंट कैमरा भी सेम है as A50, that is 32 megapixel का. बैक में थोड़ा चेंज हो जाता है क्योंकि इसमें 4 कैमरास मिलते हैं, that is 64 megapixel का मेन कैमरा मिलता है, 5 megapixel, 5 megapixel और 8 megapixel के भी कैमरास है. इस फोन को सपोर्ट करता है 6000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी और इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर फिजिकल मिलता है. ये फोन दो वेरिएंट में अवेलेबल है, दैट इज 6GB 128GB स्टोरेज के साथ और 6GB रैम 64GB वेरिएंट के साथ. ये फोन दो कलर वेरिएंट्स में अवेलेबल है, स्पेस ब्लैक और ओशन ब्लू में. Samsung Galaxy M31 का एक प्लस पॉइंट ये है कि ये आपको 17,499 रुपीस से मिलना शुरू हो जाता है जो कि A50s से बहुत कम है. तो आप सोचेंगे कि M31 is much better than A50. Let me tell you the comparison of A50s and M31. A50s थोड़ा ज़्यादा महंगा है compared to M31. हालांकि M31 में आपको अच्छे कैमरास तो मिल जाते हैं, but A50s आपको Samsung Pay और NFC जैसे फीचर्स देता है जो बहुत ही सिक्योर होते हैं while you are paying your amount. M31 में आपको ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन नहीं मिल जाते, लेकिन A50s में आपको काफी अच्छे ऑप्टिमाइजेशन मिलते हैं. A50s में आपको एच पैनल मिल जाता है, फाइल M31 में आपको काफी ज्यादा बेजल्स मिलते हैं. A50s फोन स्लिम है क्योंकि इसमें 4000 mAh की बैटरी ही यूज हो रही है, वाइल इन M31 आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है जो फोन को काफी बड़ा बना देती है. हालांकि दोनों के स्क्रीन साइज सेम है, बट A50 थोड़ा ज्यादा पतला है वाइल M31 थोड़ा ज्यादा मोटा हो जाता है. द लास्ट फोन इन दिस लिस्ट इज Nokia 7.2. ये फोन काफी अच्छा है कंपेयर टू Samsung Galaxy फोन्स और LG के. ये फोन में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको Snapdragon 660 प्रोसेसर मिलता है जो काफी बेटर है 632 प्रोसेसर से. ये फोन में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है विद 48 मेगापिक्सल बेसिक कैमरा, 5 मेगापिक्सल एंड 8 मेगापिक्सल फॉर डेप्थ सेंसर एंड टेलीफोटो लेंस. फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का अच्छा सेल्फी कैमरा मिल जाता है. ये फोन में आपको 3500 mAh की बैटरी मिल जाती है जो थोड़ा कम है अगर आपको फोन पूरा दिन चलाना है. फोन में 9.0 इन द बॉक्स वर्क करता है.
फोन सिर्फ एक वेरिएंट में अवेलेबल है, दैट इज 4GB 64GB स्टोरेज के साथ। ये फोन में 6.1 इंच की फुल HD डिस्प्ले है और ये तीन वेरिएंट्स में आता है, दैट इज चारकोल, सैन ग्रीन एंड पॉलीकार्बोनेट आइस कलर। ऑल्दो पॉलीकार्बोनेट आइस कलर्स दिखने में थोड़ा ज्यादा अच्छे हैं और इनका हैंड टच फील भी बेटर है, बट इनके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सैमसंग अपने खुद के कस्टम मेड प्रोसेसर दैट इज एक्सिनोस ही यूज करता है, बट टेकीज डिमांड कर रहे हैं कि सैमसंग शुड स्टार्ट यूजिंग क्वालकॉम मेड स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स, बिकॉज ये प्रोसेसर्स में उनको कंपेयर करने में भी अच्छा रहेगा और बेंचमार्क देने में भी इजी रहेगा। So let's see what does Samsung do. As you can see, there are variety of Chinese smartphone alternatives in market. बस हमें एक different perspective से देखना है और थोड़ा मेहनत करना है while buying a new smartphone. और ये मेहनत वाला काम हमने आपके लिए कर दिया है। Guys, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमारे हर लिस्ट के सेगमेंट में एक ब्रांड कॉन्स्टेंट था, एंड दैट वॉज Samsung. इनफैक्ट एक सर्वे ये भी बताती है that Xiaomi users decreased from 56% in 2019 to 51% in 2020. और Samsung के साथ इसका उल्टा हुआ। Samsung का buy rate 53% से increase होके 59% पे पहुंच गया from 2019 to 2020. और ये chance तो Samsung बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। In fact, Jio ने भी recently बहुत बड़ा announcement कर दिया for his entry in this tech market. And we hope कि इस race में ज़्यादा से ज़्यादा homegrown Indian brands कम्पीट करे और ऐसे चाइनीज प्रोडक्ट्स को आउटरेस करे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। फील फ्री टू शेयर विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी फोन या फिर कोई ऐसा फोन जो इस वीडियो में मेंशन ना हुआ हो तो आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो, विल श्योरली हेल्प विद दैट। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल टेक इंजन फॉर मोर टेक वीडियोस। शुक्रिया।